तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आए हैं नए और एक वीडियो में आप लोगों से बातें करने के लिए। और अभी हम हैं काजीरंगा में, और काजीरंगा अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था और बाढ़ के वजह से अभी जो है रास्ता एक सप्ताह से बंद है। मैं तो कल शाम को घर से निकल के आया क्योंकि रास्ता बंद था। कल में मैसेज आया कि सुबह में रास्ता खुलेगा 8 बजे, और 8 बजे अभी खुला है। तो अभी इतना दूर आके पहुँचे हैं, और आगे जो है एक चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट पे आपका जो एक कार्ड दे रहे हैं उसका लिमिट का हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, काजीरंगा पार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है। थोड़ा कम हुआ है पहले से, इसलिए गाड़ी सब छोड़े हैं धीरे धीरे करके। अभी जो है पूरा का पूरा गाड़ी एकदम लाइन में खड़ा हुआ है, क्योंकि आगे से नो एंट्री लगा के रखे हुए हैं। अभी खुलेगा कितना बजे कोई गारंटी नहीं है। और पीछे भी जो है पूरा एकदम यहाँ से झोखला बंधा तक पूरा लाइन है गाड़ी। अभी देखिए भाई साहब, पूरा पानी पानी हो रहा है काजीरंगा में, और इसलिए जो है गाड़ी बंद करके रखे हुए थे, गाड़ी आने नहीं दे रहे। आज सुबह से जो है गाड़ी खुला है, 8 बजे से अभी 3 बजे तक गाड़ी चलने देगा, फिर 3 बजे के बाद में बंद। बाकी तो सारा गाड़ी चल ही रहा है, जैसे पैसेंजर गाड़ी हो गया, बस हो गया, ये छोटा गाड़ी हो गया, ये सब तो चल रहा है। बस कमर्शियल जो गाड़ी है, जैसे ये सब ट्रक टैंकर ये सब को चलने के लिए मना था, तो अभी वो भी खोल दिया है। आप लोग खुद ही देखो अभी कितना पानी हो रहा है। अभी यहाँ का जानवर सब कहाँ गए होंगे कोई अता पता नहीं है, कितना तो मर गए होंगे। अभी हम पहुंचने वाले हैं बागरी, और पूरा का पूरा लोग जो है जितना भी घर था, जैसे किसी का रास्ता के नीचे में घर था, तो जिसका जिसका भी घर मतलब डूब गया है पानी के नीचे, तो सब लोग अभी जो है रास्ता पे आके रुके हुए हैं। तो गाय भैंस बकरी जो भी है सारा का सारा रास्ता पे, तो इसलिए हम लोगों को जो है वहीं पर जो फास्ट चेक गेट मिला था हम लोगों को, वहीं पर पुलिस वाले बोल दिए थे कि जितने भी ड्राइवर हो आप लोग सबको आराम आराम से चलना है। तो अभी उसी हिसाब से हम लोग भी आराम आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा, ताकि जितने भी जानवर है रोड पे, आदमी है या जो भी है, जो लोग तंबू बना के रह रहे हैं उन लोगों को तकलीफ ना हो। अब इसी में सबको चलना है। सब लोग जो है आराम से चल रहे हैं, कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। अब देखिए जैसे पूरा रास्ता में आप लोगों को दिख रहा होगा कि गाय जो है बैठा हुआ है चारों तरफ से एकदम। जिन लोगों का घर द्वार सब डूब गया, वो लोगों का मालूम चल रहा होगा कि कैसा लग रहा होगा वो लोगों को, क्योंकि जिनका अभी घर द्वार कुछ नहीं है और जो रोड पे रह रहे हैं उन लोगों को कितना तकलीफ हो रहा होगा, आप लोग खुद ही सोच के देखिए। अगर इन लोगों का जगह में आज हम होते और मैं और आप होते तो हम लोगों को कैसा लगता। अभी भी जो है पानी पूरा कमा नहीं है, थोड़ा बहुत कमा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 फीट पानी कमा है, और रोड से तो उतर गया है पानी। अभी जैसे तैसे करके बहुत दूर आके पहुंच गए हैं,
अभी मान लीजिए और 10 से 15 किलोमीटर जाने से काजीरंगा पार ही हो जाएंगे। अगर यही पानी नहीं कमता तो हम लोगों को फिर 200 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता। अभी जो है गाड़ियों का पूरा लाइन लगा हुआ है, क्योंकि एक सप्ताह से जो भी गाड़ी रुके हुए थे वो आज जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम पार कर चुके हैं काजीरंगा, और काजीरंगा पार करके अभी नंदीगढ़ पहुंचने वाले हैं, और इधर में थोड़ा गाड़ी भगा के अभी जा रहे हैं क्योंकि बहुत देर हो चुका है। तो अभी लोडिंग भी करना है, ऑफिसर भी फोन मार रहे हैं, बोल रहे हैं कि आ जाओ लोड हो जाएगा अभी। तो अभी जा रहे हैं, थोड़ा गाड़ी का काम भी करवाना है। अब काम वाम करवा के देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में। और सुबह से अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। अभी गाड़ी जहाँ गैरेज में लगाएंगे, ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का काम है, और गाड़ी को लगा के फिर चले जाएंगे खाना खाने। खाना वाना खा के आएंगे तब तक गाड़ी भी हो जाएगा रेडी, और फिर लोडिंग में चले जाएंगे।